जैन फ्रेंड्स वेलकम टू टुडे क्लासेस। आज मैं एक ऐसी न्यूज लेके आया हूँ जो जिनकी शादी नहीं हुई इनके लिए तो खुशखबरी ही है। और इस पूरी न्यूज को सुनिए, इसमें क्या है कि एक दूसरे जाति में शादी करने पे राजस्थान गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रही है। अब हम इस पूरे न्यूज को समझेंगे कि क्या इसके फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या सोच के इसको लेके आई है, क्या करना क्या चाहती है, इन सबके बारे में हम डिटेल्ड में समझेंगे और इससे रिलेटेड मुद्दों के भी बारे में जानेंगे। तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरकास्ट सही है या गलत, या स्कीम ये इसका मोटो सही है या गलत। ठीक है, मैं आपको बस फैक्ट्स के बारे में या दोनों पक्षों के बारे में आपको न्यूट्रल जानकारी दूंगा। ठीक है, इसके बारे देखिए कि ये जो राजस्थान सरकार की समाज कल्याण विभाग है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, स्कीम का नाम है डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजाति विवाह सहायता योजना। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पे क्यों है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको मालूम हुआ जिन्होंने पूरा संविधान लिखा है, उन्होंने क्या हमारे देश में उनकी क्या योगदान है, इसके बारे में देखेंगे भी। बट स्कीम में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, अस्पृश्यता मतलब राइट टू अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता का है उसको खत्म तो कर दिया गया, बट कहीं ना कहीं जो सरकारें या जो गाँव में भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस की जा रही है, तो उसको खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मतलब दूसरी जाति में मैरिज करने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए क्या है, सरकार तुरंत दे देगी? अगर सरकार तुरंत दे देती तो वह ये चीजें बहुत ज्यादा फैल जाती, लेकिन उसने भी कुछ कंडीशंस रखी है। कंडीशंस क्या है, पहले तो 5 लाख रुपए शादी होते ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो पति पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में मिलेंगे। मतलब जो कपल होंगे, ब्राइड एंड ग्रूम होंगे, दूल्हा जो होगा दुल्हन के जो ज्वाइंट अकाउंट होगा उसमें 5 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। और शादी के 8 साल बाद घरेलू उपयोग की चीजों के लिए उनको 5 लाख रुपए और दिया जाएगा। मतलब शादी होने के 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए और शादी होने के 8 साल बाद उनको 5 लाख रुपए तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये स्कीम नई है, स्कीम पहले आई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में आई थी, 2006 में टोटल फंड था 50,000 रुपए। उसके बाद अप्रैल 2013 में इस स्कीम को 50,000 से बढ़ा के इनको कर दिया 5 लाख रुपए। और उसके बाद 2023 में इस 5 लाख को बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख रुपए। मतलब टोटल 10 लाख रुपए। अभी आपने न्यूज सुना होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट मेडिकल वाला फ्री की है, फिर दूसरा आपने ये सुना कि शादी को 10 लाख रुपए दे रही है, तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं राजस्थान गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब अगर 10 लाख रुपए दिया जा रहा है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 7.5 लाख रुपए राजस्थान गवर्नमेंट देगी। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट देगी, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, 75% राजस्थान गवर्नमेंट, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसकी कंडीशंस क्या है कि किसको किसको मिलेगा, तो पहली बात तो शादी करने वाले की उम्र जो है 35 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा, ब्राइड एंड ग्रूम विल बी हिंदू होने चाहिए। देखिए, मैरिज जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आपको मालूम होगा हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। 1954 में एक आया था स्पेशल मैरिज एक्ट, जो अभी कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, उसमें क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है कि आप किसी भी धर्म जाति किसी से भी अगर विवाह करना चाहते हैं तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, आपकी मानसिक स्वतंत्रता है, आपकी लिबर्टी है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं आप उससे शादी कर सकते हैं। ठीक है, इसे कोर्ट मैरिज है, इसको कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, इसे कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, जिसके तहत अभी शादी करने वालों को इसी के तहत मैरिज करनी होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग ही शादी करनी होगी। अगर उन्होंने हिंदू लॉ के एक्ट किया तो उसको नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग किया तो नहीं दिया जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें कोर्ट में अपनी शादी फाइल करवानी होगी। और हिंदुओं को क्यों मिलेगी, क्योंकि मुस्लिमों का जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें एक पॉलीगेमी मतलब एक मेल मतलब एक पुरुष 3-4 महिलाओं से स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट सबके लिए ला देगी तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होगी कि मतलब बहुत ज्यादा समाज में कुरूपता फैलेगी, इसलिए इन्होंने हिंदुओं के लिए जहाँ पे मोनोगेमी मतलब कि एक पुरुष सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। ठीक है, शादी करने वालों के पास कोई क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए। दूसरा, डोमिसाइल होना चाहिए राजस्थान का, दोनों कपल में से कोई एक राजस्थान का होना चाहिए। और दूसरा जो है, दूसरा कम से कम 5 साल से राजस्थान में रह रहा होना चाहिए।
जरूरी नहीं कि दोनों राजस्थान के हो, एक राजस्थान का हो, दूसरा क्या हो कम से कम 5 साल से राजस्थान में रह रहा हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि उनकी कंबाइंड इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो ये इस 10 लाख रुपए के पात्र होंगे। अब राजस्थान सरकार ये लाई क्यों है, क्योंकि राजस्थान या आप समझ लीजिए पूरे जो नॉर्थ इंडिया है उसमें कहीं ना कहीं एक जातीय सिस्टम अभी भी लगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 75 to 80% इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज भी 75% से 80% जो शादियां होती हैं वो कहीं ना कहीं सेम जाति में होती है, मतलब सेम कास्ट में होती है। इसका अब देखिए ये ऐसा भी नहीं कि इसको ग्रीन कार्ड की तरह बनाना है, जिस तरह यूएसए रसिया में चलता है ग्रीन कार्ड, वो सिस्टम भी नहीं बनाना है इनको इंटरकास्ट करके, बट कहीं ना कहीं ये 75 to 80%। अब है क्या, इससे नुकसान क्या होता है कि भारत में एक बड़ी समस्या है जाति समस्या, जाति का जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, उसको दूर करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर भारत में जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो इसका एकमात्र उपाय है अंतर जाति विवाह। मतलब इनके कहने का मतलब था, अगर मान लीजिए दो आदमी है, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई या मिसेस वाई, मान लीजिए ये जनरल कैटेगरी से हैं और मान लीजिए ये एससी कैटेगरी से, ठीक है। अगर इनका आपस में विवाह होता है तो आपस में विवाह होने के बाद जो प्रेम संबंध बनता है साथ रहने पे, तो अब जनरल वाले के मन में ये नहीं रह जाएगा कि ये एससी का है, वो उसको अपनी पत्नी की नजर से देखेगा ना कि एससी की नजर से देखेगा, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां थोड़ा बहुत होता है, बट इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मान लीजिए जेड आती है नेक्स्ट जनरेशन, अब नेक्स्ट जनरेशन जो जेड होगी उसके लिए तो उसकी माँ एससी है या जनरल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पिता जनरल है, वो दोनों कास्ट को एक सेम नजर से देखेगा। तो इससे कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम पे से हमें उभर पाने में काफी हेल्प मिलेगी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था और काफी हद तक ये बात सही भी है। इसके अलावा देखिए जो यही मेन उद्देश्य है सोशल जस्टिस, सोशल अवेयरनेस को इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए राजस्थान सरकार लाई है। इसके पहले केस आया था सफीना जहान वर्सेस अशोकन केएम 2018, इसमें क्या था कि सफीना जहान के फादर ने केस किया था अशोकन केएम पे, शायद हांडिया नाम था, उन्होंने केस किया था कि जो अशोकन केएम है इन्होंने सफीना को जबरन जो है धर्म परिवर्तन करवाया है। अब जब सफीना जैसन जब ये कोर्ट केस में चला, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दोनों ने आपस में मेलजोल से शादी की है, कोई भी मतलब इन लोगों को गिल्टी कोई नहीं आई, इनको बेइज्जत बलि कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें एक केस आया था, उसके बाद आप एक केस सुना होगा जस्टिस केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफी फेमस केस है, जिसमें भी राइट टू प्राइवेसी या लिबर्टी के बारे में कहा जाए, निजता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आर्टिकल 21 में भी हमें अपनी अपने अपने जो मन मानसिक स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में कहा। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो भी कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता देता है कि एक इंसान अपने मन के मुताबिक शादी कर सके, अपने मन के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सके, ठीक है। किसी धर्म जाति या किसी गलत चीजों में किसी के दबाव में आके अपनी शादी को परफॉर्म करना, इट्स नॉट गुड। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको हम इसके बाद आपका क्या मानना है, आप इसको बताइएगा कि आपका क्या मानना है। इसके अलावा क्या उपाय हैं, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल हो गया, या जो रिजर्वेशन हो गया, या उनको अपने वेल डेवलप करना, जो लोअर कास्ट उनको वेल डेवलप करना, ये सब भी और भी उपाय। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि कोई उपाय है जो कास्ट सिस्टम को उभार सके, या इसके जो आपको लगता है इसमें क्या सही क्या गलत है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी गुड न्यूज से।